इन बर्ड्स। ओके, तो बर्ड्स जो है, बर्ड्स का मूवमेंट, तो बेसिकली बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं, तो चार तरीके बताए हुए हैं किस तरीके से बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो पेज नंबर आप 100 निकाल लीजिए। द फॉलोइंग फीचर हेल्प बर्ड टू फ्लाई। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर, बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है उनकी, तो बर्ड्स की जो है बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जिसके कारण वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। देयर बोन्स आर होलो विच मेक देम लाइट वेट। उनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, मतलब अंदर कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही होती है, अंदर से खोखली जिसको बोलते हैं, अंदर कुछ भरा हुआ रहता है बोन में, तो वो थोड़ी काफ़ी लाइट होती है, और लाइट होने के कारण क्या होता है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, मतलब उनको पंख होते हैं जो जिससे वो उड़ने में उनको मदद होती है। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स। जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो चेस्ट मसल होती है बहुत पावरफुल होती है, विच हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स, जिससे उनको क्या है, मतलब बड़ा जो है वो बड़ा एरिया कवर करने के लिए उनको मदद मिल जाती है ना, तो फ्लैप करने के लिए। द गिवन फिगर शो हाउ द, ये फिगर आप देख ही सकते हो किस तरीके से बर्ड फ्लाई करते हैं, बेसिकली इतना कोई टफ है नहीं। अगला आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी हुई रहती है, एक सेकेंड इधर से कर देता हूँ, सेल से मिलकर बना हुआ रहता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन, है ना। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर आपकी क्या बनती है, बॉडी। ठीक है, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर ही एक आता है आपका स्केल्टन सिस्टम। बेसिकली जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक आता है आपका स्केल्टन सिस्टम, ठीक है, स्केल्टन सिस्टम, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने के काम में आता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने के काम में आता है, स्केल्टन जो सिस्टम होता है ना आपका, स्केल्टन सिस्टम में आपकी बोन्स आती है और मसल्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं, बोन्स और मसल्स को। और हमारा चैप्टर भी बॉडी मूवमेंट है, तो बॉडी मूवमेंट के अंदर बेसिकली हम स्केल्टन को डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर करेंगे। स्केल्टन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कितनी मसल्स होती है बॉडी के अंदर, लंबी वाली कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वीक कौन सी है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।